वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में कंट्रोल के जो होता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, सिर्फ एक शॉर्टकट के बारे में वीडियो है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सच में वो चीजें कहीं पे नहीं सीखने वाले हो, ना ही आपको मिलने वाली है और ना ही आज तक मिली होगी, क्योंकि एक शॉर्टकट पे मैं आपका 10 से 15 मिनट समय लेने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। इसलिए भैया जिसको सीखना है वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो यार एक बार इसको जरूर शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पहली बात है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे इंसर्ट में रहता है आपका यहाँ पे कंट्रोल के का शॉर्टकट की जो होता है ना हाइपरलिंक का, या आपको बताया गया होगा, मैं भी बताऊंगा किसी फाइल को अटैच करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कुछ इसमें अटैच कर लेते हो, किसी फाइल को ओपन कर लेते हो। मैं आज आपको रियल में इसका काम बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो कंट्रोल के तो होता है, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपको बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यह एमएस वर्ड है, ठीक, यह बाय द वे एमएस वर्ड है। अब मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ पंकज 98 एजुकेशन की, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑनलाइन कोर्स भी कराते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो खत्म होने के बाद हमारी वेबसाइट पे एक बार विजिट करके हमारे कोर्स को भी देख सकते हो, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट घर पे पहुंचाता हूँ, ओरिजिनल जो सरकारी या प्राइवेट में आप लगा सकते हो। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक किसी दिन मान लो मैंने इसको खोल लिया, आप बहुत चीजें खोल सकते हो, कोई भी साइट खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस वेबसाइट की आप ओपन करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हमारी वेबसाइट में दिया होम, कोर्स, रिजल्ट, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। अब मैं चाहता हूँ कि यार किसी को मैं पीडीएफ भेजूँ और पीडीएफ में जो भी चीजें हो वो क्लिक करे तो खुल जाए, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को बनाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग एमएस वर्ड में इसको बनाएंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ होम, ठीक है, हमारा पहला टैब क्या होम, ठीक। अब आ जाओ आप यहाँ पे, दूसरा क्या आपका यहाँ पे, दूसरा क्या कोर्सेस, ठीक है, क्या है कोर्सेस। तो लो भैया मैं यहाँ पे लेता हूँ कोर्सेस, ठीक। तीसरा हमारा रिजल्ट, ठीक है, वेरीफाई सर्टिफिकेट, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक, लॉगिन, इतना यहाँ पे है। अब क्या है कि आप चाहते हो किसी को यह पीडीएफ भेजो, यह पीडीएफ आप किसी को भेजो तो वह क्या करे कि क्लिक करे इस पीडीएफ में तो वह चीजें जो वहां पे खुल रही है वह डायरेक्ट खुल जाए। जो चीजें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी देखना रिजल्ट पे खुल गया ना, तो वह चीजें वहां पे भी होनी चाहिए। ये चीजें मैं बताऊंगा हाइपर लिंक, क्योंकि यहाँ पे भी हाइपर लिंक का यूज हुआ है, तो आप हाइपर लिंक का यूज कैसे करते हो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मैं देखो होम पे आता हूँ, सबसे पहले मैं होम पे आके यहाँ पे ईयर लिंक को मैंने क्या किया कॉपी कर लिया। अब मैं एमएस वर्ड में आया और मैं क्या किया, पहले इनको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इनकी साइज क्या करता हूँ मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक, लो बोल कर लिया। अब मैं क्या किया कि होम को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के दबाओगे तो देखो हाइपर लिंक का अब यहाँ का एड्रेस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे एड्रेस दे दो, क्या है आपका एड्रेस, ठीक। देखो यह हो गया है, ऐड हो गया नया लिंक। देखो जैसे वहाँ पे मैं बताया था पिछले वीडियो में कि ग्रीन हो जाता है। कोर्स में आ जाओ, कोर्स में आने के बाद आप इसको कॉपी करो, ठीक, और यहाँ पे आके इस कोर्स को सेलेक्ट करो और कंट्रोल के दबाओ हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, और यहाँ पे दूसरा एड्रेस पेस्ट कर दो, ठीक है। इसमें भी आपने अटैच कर दिया, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग रिजल्ट में, रिजल्ट का भी हमने यूआरएल क्या करना है कॉपी कर लेना, यहाँ पे देखो यूआरएल में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। और भी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। अब मैं इसको रिजल्ट को यहाँ पे कंट्रोल के, या तो आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करो डायरेक्टली और यहाँ पे पेस्ट कर लो लाके, ठीक। अब हम लोग आते हैं फिर से यहाँ पे वेरीफाइड सर्टिफिकेट में, लो भाई मैंने इसका भी यूआरएल क्या किया कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया और मैं इसको क्या किया हाइपरलिंक में गया और यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल के क्या किया पेस्ट कर दिया, ठीक। अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे अगला हमारा क्या है रजिस्ट्रेशन, हमने रजिस्ट्रेशन में गया कॉपी किया यूआरएल, फिर मैं यहाँ पे आया हाइपरलिंक पे गया, शॉर्टकट भी मैंने बताया था कंट्रोल के आप यूज कर लेना, फिर मैं गया लॉगिन पे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने लॉगिन खोल लिया, ठीक। अब उसके बाद मैं आया अपने एमएस वर्ड में और यहाँ पे मैं कंट्रोल के का यूज करता हूँ, यूआरएल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। इतना आपने कर लिया, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको काम कैसे करेगा, कंट्रोल साथ यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, फिलहाल हम कंट्रोल नहीं यूज करने वाले हैं, ठीक है।
अभी इसमें बहुत चीजें हैं, अभी तो कुछ नहीं, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया कि नहीं ऐसे कर सकते हो। अभी आप होता ना कि मैं बहुत अच्छी चीजें, मोबाइल नंबर हो आपका, कोई पर्सनल ईमेल आईडी हो, पर्सनल घर का एड्रेस हो, सारे चीज लिंक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आप किसी को भेजना चाहते हो, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ, क्या करता हूँ सेव, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पीडीएफ में सेव, और मैं यहाँ पे डी ड्राइव चूज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ अपने नाम का, ठीक है, पंकज, ठीक, पंकज प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको सेव कर लिया, ठीक। देखो यह यहाँ पे देख रहे हो ना पीडीएफ में, ये देखो क्या आ रहा है, करा क्लिक करो भाई, लो क्लिक कर दिया, ध्यान देखना, लो भाई वेबसाइट खुल गई, देखो, ठीक है, कोर्स वाला नहीं खुला। अभी मैं क्या करता हूँ, कोर्स वाले पे क्लिक करता हूँ, ध्यान देना आप लोग, देखिए पूरी, आप ये पीडीएफ किसी को भेजोगे ना वो क्लिक करेगा ना, ये देखो वेरीफाई सर्टिफिकेट, ये देखो रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पूरी हमारी वेबसाइट का जो है इंटरफेस यहाँ पे आ गया, ये देखो। तो आप इस तरह से किसी भी लिंक को पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर कर सकते हो, करके आप किसी को एक साथ भेज सकते हो, जैसे कोई आपका इंपॉर्टेंट लिंक है आप उसको रखना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसको भी पीडीएफ बना बना के रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको, चलो मैं सेव करता हूँ हाइपर लिंक के नाम से, मैंने इसको सेव कर लिया प्रैक्टिकल, ठीक है, चलो अब ये चीजें हमारी सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे गया और जाते हैं डी में, और हमारा प्रैक्टिकल है ना यहाँ पे पीडीएफ हमारा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, चलो भैया जो खोलना आप खोल सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी लिंक आराम से दे सकते हो हाइपर, ये तो मैंने हाइपर लिंक का आपको डेमो बताया है, क्या बताया मैंने आपको डेमो। अभी हाइपरलिंक में बहुत सारी चीजें हैं, आप प्रोफेशनल ढंग से और हाइपरलिंक को एमएस वर्ड में सीखना चाहते हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल का बता दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे तभी, जैसे इस पे 1,00,000 व्यूज आएगा मैं तुरंत एकदम डिटेल में बता दूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।